नहीं, हमारा जीत नहीं, जनता जो है संघर्ष किया, जनता चुनाव 6 मत से। जी तो आप अपने पंचायत वासियों को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? ये तो जनता का जीत है, चुनाव लड़ा है, जनता का जीत हुआ है। यह जनादेश जो है, जो भी मिला है वो जनता का देन है, और जनता अपने लिए जनादेश लिया है। चलिए, अगर सबसे पहला काम पंचायत में क्या होगा? देखिए, पहला काम तो हमारा यह है कि जो जनता का बुनियादी सवाल है, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जो है हमको सर्वप्रथम काम करना है। वृद्धा पेंशन, आवास, ये जनता का जो है बुनियादी है। मुखिया जी, बहुत से प्रत्याशी जीतने से पहले वादे बहुत करते हैं, जीत जाने के बाद वो वादे पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, ये तो सत्य बात है। क्या उम्मीद रखे हैं? ये तो सत्य बात है आपका, बिल्कुल। लेकिन रह गया कि हमारे विचार से हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो हम जनता के हर कामों के लिए संघर्ष करेंगे और खरा उतरने का कोशिश। आम सभा को लेकर आप क्या कहिएगा? जैसे कि बहुत से पंचायत में आम सभा का आयोजन नहीं होता है, आपके द्वारा आपके पंचायत में होगी आम सभा? तो बिना किए हुए जो है, हम जनता का आम सभा के माध्यम से जनता का सवाल न लेना है, जनता के माने हर विचार को लेकर के, उसके बुनियादी सवाल को लेकर के हमको चलना है। तो बिना आम सभा किए कैसे हम कोई काम कर लेंगे? पहले बहुत से मुखिया परिवर्तन करना है। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे प्रत्याशी हार चुके हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का अपना संघर्ष था, जनता जो है जहाँ तक उनको जनादेश दिया वहाँ तक दिया, बाकी हमको जनादेश बहुमत से मिला, उनके विषय में हम दूसरा क्या कह सकते हैं? वोटों का आंकड़ा काफी कम रहा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत कम वोटों से आप जीत पाए चुनाव। जी, ये तो चुनाव है, चुनाव में जो है कांटे का जो चुनाव होता है वो सबसे बेहतर होता है, है ना? ज्यादा अंतर का चुनाव होता है वो जनादेश का मतलब नहीं होता है। हमारे समझ से आमने सामने जो लड़ाई होती है वही सबसे बेटर होता है। जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे? जनता, सकरा पंचायत की जनता। अभी सबसे पहला काम क्या होगा आपके पंचायत? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी हाथ में कुछ तो केवल सट फिटे के ना आया है। जी जी, तो इसके पहले हम क्या? चलिए, आपके पंचायत में भ्रमण करने के दौरान ये देखा गया कि शौचालय की कम व्यवस्था है, लोग खेत का इस्तेमाल अधिक करते हैं। जी, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शौचालय का जो है बात जहाँ तक है, तो जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो शौचालय बना पाए, और सरकार का जो व्यवस्था है वो प्रोत्साहन राशि देती है, केंद्र देता है आपको 15,000 और राज्य देता है 12,000, उसमें भी बिचौलिए जो है 1,000 ऐसे करके ले लेते हैं, तो प्रोत्साहन राशि एक जो है जो भी जनता लेती है वो जो है माने काम के लिए नहीं लेती है, पॉकेट में रखने के लिए लेती है। और इसके लिए हम जो है सार्वजनिक शौचालय का हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर जो है हम चाहेंगे, हमारी ये लड़ाई होगी कि जो है सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। इससे पहले जो आपके पंचायत में भ्रष्टाचार थे उसको आप मुक्त कीजिएगा? जी, संघर्ष तो हमारा रहेगा उसको मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने का हमारा जो है या हमारा संघर्ष पुरजोर रहेगा, उसके लिए हम तैयार रहेंगे हमेशा। आखिरी में एक बार और अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद कैसे दीजिएगा? अभी तो देखिए, अभी हम रात में आए हैं, नौजवान लोग नहीं माने, गांव का भ्रमण किए, और इस समय सारे नौजवान आए हुए हैं, ये हमारे बैठे जो लोग हैं, ये चितनपुर के हमारे वार्ड मेंबर 7 के हैं, 6 का जीते हुए हैं, ये आए हैं जो है भेंट करने के लिए, खुशी में है। ये नौजवान जितने इनके साथ आए हैं करीब 50, ये सारे लोग जो है मिलने के लिए आए हैं, तो खुशी का इजहार तो सामने आ ही रहा है।